देखिए, सरकार ने हमारे नेता राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसान जो 150 किसानों ने आत्महत्या की राजस्थान में, उनके 2 लाख तक के कर्जे हम माफ़ करेंगे। आपने देखा, सरकार बनने के साथ तीनों राज्यों में 2 दिन के अंदर अंदर, चाहे आप राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह कर्जे माफ़ी का ऐलान हुआ है। अब हमारे जो प्रमुख विपक्षी दल है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जिन लोगों की डिक्शनरी में किसान शब्द नहीं है, वो लोग खुद कर नहीं पाए। 8,000 की कर्ज माफ़ी की घोषणा बीजेपी ने की थी। मेरा सवाल आपके माध्यम से उन्हीं से कि उस कर्ज माफ़ी का ऐलान इन्होंने चुनाव से ठीक पहले किया वोट लेने के लिए, और उस कर्ज माफ़ी की हकीकत, 2000 करोड़ तक का कर्जा, वो भी सहकारी बैंकों में जमा हुआ, बाकी 6000 करोड़ वो भी हमारे माथे आया, वो हमको, वो कर्जा माफ़ी का काम हमको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ भी हल्ला करे, देश के 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ करने में बीजेपी को जरा भी दिक्कत नहीं आई। और ये किसान आत्महत्या कर रहा है, अन्नदाता किसान होता है वो आत्महत्या कर रहा है, उसकी हालत जर्जर है, उसकी हालत को सुधारने की दिशा में अगर कांग्रेस ने कदम उठाया है तो इनको तकलीफ क्या है? माफ़ करने का ऐलान हमने किया, माफ़ हम करेंगे। बैंकें जो शेड्यूल्ड है, कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकें हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, भूमि विकास बैंक है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि साहब डिफॉल्टर का करेंगे बाकी का नहीं करेंगे, ये भी भ्रामक प्रचार बीजेपी कर रही है। अभी कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक सब कमेटी बनाई मंत्रिमंडल की, और उन्होंने पूरी स्टडी की है। और स्टडी करने के बाद जो भी आदमी बैंक से कर्जा लेता है, वो बैंक अगर रीपेमेंट करने की स्थिति में आदमी नहीं होता है, तो बैंकें आप देखना आप हमेशा नेगोशिएट करती है उससे कि भाई अगर इसकी माली हालत नहीं है तो मेरी मूल राशि भी अगर लौट के आ जाती है, ब्याज नहीं भी मिलता है, या जितनी राशि आ सकती है वो आपस में बैठ के नेगोशिएट करते हैं उससे। नेगोशिएट करने के बाद मान लो किसी पे 2 लाख का कर्ज है और बैंक 1 लाख तक का कर्ज माफ़ करने को तैयार है, तो 1 लाख का कर्ज भार फिर सरकार उठाएगी। ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और उससे पहले बीजेपी ने हल्ला शुरू कर दिया। आप देखेंगे एक एक किसान को कर्ज माफी का लाभ मिले, ये कांग्रेस सरकार सुनिश्चित करेगी। सर, आप रामगढ़ के प्रभारी थे, जिस तरीके की वहाँ पर गाय की राजनीति हो रही थी, उसके बाद में आज कांग्रेस की जीत, लोकसभा चुनाव में किस तरीके का इसका इफेक्ट रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता की राजनीति का खून मुंह लगा हुआ था। हर बार वहाँ विकास पे राजनीति नहीं वोट मांग रहे थे, वो वहाँ पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पे बीजेपी चुनाव लड़ती आई। 10 साल से पिछले बीजेपी वहाँ काबिज है। 5 साल इनके बिना सरकार के एमएलए जीते और 5 साल सरकार में रहके एमएलए रहे इनके। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, लेकिन सरकार बीजेपी की थी। वर्चुअली 15 साल बीजेपी के कब्जे में ये इलाका रहा। मैंने इलाके का चप्पा चप्पा घूमा भी बाई इलेक्शन के दौरान। ना वहाँ स्कूलों की व्यवस्था है, ना वहाँ सड़कें हैं, ना पीने के पानी की सुविधा है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब आदमी के घर तक पहुँच रहा है। ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए। जब जब विकास के मुद्दे से हटके चुनाव होंगे, इलाके के लोगों को पिछड़ापन सौगात में मिलेगा। हमने मुद्दे को बीजेपी को इस चुनाव में भी, उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन नेटवर्किंग इस तरह की थी कि वो कामयाब नहीं हो पाए। और वो कामयाब नहीं हो पाए तो कांग्रेस जीत गई और अब वहाँ विकास का रास्ता खुल गया। आज सर, प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद में राहुल गांधी, उसके बाद में लगातार बीजेपी की ओर से नेताओं के हमले किए जा रहे हैं इनके परिवार के ऊपर। आज राहुल गांधी से ये पूछा गया कि वो ब्राह्मण नहीं है, इस तरीके के कैंट। भारतीय जनता पार्टी पगला गई है एक तरह से देखा जाए। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने झूठ बोल के और क्लीन स्वीप किया देश की राजनीति में, अब धरातल पे उनको जवाब तो देना पड़ेगा। 5 साल में क्या किया उन्होंने? 10 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार देने का वादा किया नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया, सरेआम सब लोगों को कहा अब गैस के सिलेंडर पे आ जाओ, पेट्रोल डीजल के दाम पे आ जाओ। तब कहते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की हम बात करते थे कि क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तय करता, उसका इफेक्ट कीमतों पर हमारे देश में आता है। तब ये बोलते थे कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जिम्मेदार नहीं है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आज जब हम वही सवाल करते हैं कि अब बताओ मोदी जी, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो क्रूड ऑयल की कीमतें तय करते हैं वो जिम्मेदार है, तो वो तैयार नहीं है।
अब प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। कैसी दो मुही बात है, अब प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं, तब प्रधानमंत्री जिम्मेदार था। और मेरा सवाल उनसे है कि $148 पर बैरल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल मिलता था, तब हम सस्ती दरों पे यहाँ डीजल पेट्रोल दे रहे थे, और इसकी एक तिहाई कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटी है मोदी जी के सरकार के दौरान। कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब तो बीजेपी बताए।